कॉमर्स क्लासेस मैं हूं दाविता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने एमसीक्यूज को आगे बढ़ाएंगे यानी कि सीबीएसई सैंपल पेपर के गाइस एमसीक्यूज को आगे बढ़ाएंगे आज हम अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर इससे पहले हम 10 एमसीक्यूज कर चुके हैं अगर अभी तक आपने नहीं अटेम्प्ट करे तो जरूर करना डिस्क्रिप्शन में गाइस एमसीक्यू के यानी कि आपके सैंपल पेपर का लिंक मैं शेयर कर दूंगी अब आगे बढ़ते हैं गाइस सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें वो ये कहते हैं इन ऑफ़ पार्टनरशिप डीड यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो आगे क्या लिखते हैं अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक पार्टनर होता है किस चीज़ के लिए इंटरेस्ट के लिए ऑन दी अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल जो कि उसने एडवांस्ड बाय हिम टू फर्म सो so गाइज सबसे पहली चीज इसमें उसने एडिशनल कैपिटल एडवांस एडवांस वर्ड से बच्चे कंफ्यूज होते हैं यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसने एडिशनल कैपिटल उसने दी है फर्म को ओके okay. तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो पहला ऑप्शन है सिक्स परसेंट ऑन दी एडिशनल कैपिटल ओनली वैन देयर आर प्रॉफिट जब प्रॉफिट होगा तभी हम उसे देंगे सेकेंड में वो कहते हैं इंटाइटल फॉर टेन परसेंट इंटरेस्ट ऑन दी एडिशनल कैपिटल थर्ड में वो कहते हैं ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट ऑन दी एडिशनल कैपिटल लेकिन फोर्थ में वो कहते हैं नॉट एन फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल सो हमें डी के साथ जाना है डी ऑप्शन इसका होगा कि भाई कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा चाहे एडिशनल कैपिटल है कुछ भी है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है पर के इंटरेस्ट से इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता एडिशनल कैपिटल हो कमीशन हो सैलरी हो कुछ भी हो नहीं दिया जाता अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम उसे कोई भी एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे इसके बाद गाइस जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें वो ये कहते हैं रीवैल्यूएशन जो हम करते हैं ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी यानी कि जब भी हमारी फर्म में कोई भी चेंजेस आते हैं नया पार्टनर आते हैं कुछ भी होता है हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू में भी डिफरेंट फ्रॉम देअर अब वो ये पूछ रहे हैं कि री ऑफ एसेट जो हम करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट वैल्यू यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो किससे कंपेयर करते हैं हम लोग किससे कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट उन्होंने ऑप्शन दिया मार्केट वैल्यू से सेकेंड उन्होंने दिया नेट वैल्यू से थर्ड दिया उन्होंने कॉस्ट ऑफ एसेट से फोर्थ उन्होंने दिया गाइस बुक वैल्यू से सो so, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू से और जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वो हम री में लिखते हैं सो so, इसका आंसर क्या होगा गाइस मार्केट वैल्यू ठीक है सो थर्टीन क्वेश्चन गाइस क्या है जो कि है आपके गुडविल चैप्टर से यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से जिसमें वो ये कहते हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज एट लाख आपने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करिए गाइस एट लाख ठीक है आगे वो क्या कहते हैं आगे वो ये कहते हैं कि एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है एवरेज प्रॉफिट हो रहा है हमें वन लाख एट्टी थाउजेंड ओके आगे कहते हैं रेट ऑफ़ रिटर्न है टेन परसेंट यानी कि ये पूरा का पूरा गाइस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया अब इन्होंने पूछा कि हमने कैपिटल लगा रही है कि बिज़नेस में आठ लाख हमें एवरेज प्रॉफिट हो रहा है एक लाख अस्सी हज़ार हमें रेट ऑफ़ रिटर्न है टेन परसेंट देन वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है हमें बट एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड तो कैपिटलाइजेशन के केस में हम क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं जो कि फॉर्मूला क्या होता है जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट होगा इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है इससे करेंगे अब यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो हमारे बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी अठारह लाख ,00 अठारह लाख एक्चुअल में अठारह लाख के हिसाब से हम कमा रहे हैं बट पैसा कितना लगाया आठ लाख तो हमारा जो हमारी जो कैपिटल की वैल्यू निकलेगी गाइज वो निकलेगी डिफरेंस अठारह माइनस आठ तो आंसर आएगा टेन लाख रुपीज़ तो इन्होंने ऑप्शंस तो काफ़ी सारे दे रखे हैं टेन लाख यानी कि वो सही होगा ए हमारा बी इन्होंने अठारह लाख दे रखा है तो अगर आप अठारह लाख करते हो गलत हो जाएगा सी अस्सी लाख दे दिया और डी सेवेंटी एट लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो सारे गलत ऑप्शन हैं सिर्फ ए जो है गाइस टेन लैख वो हमारा आंसर होगा क्योंकि गुडविल हम किस तरीके से निकालते हैं जो भी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आती है अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट और उसमें से जो एक्चुअल में हमारे बिजनेस की कैपिटल है फोर्टीन क्वेश्चन गाइज जो इसमें है वो कंपनीज बुक से है आपके उन्होंने बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन अलाव फॉर इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट तो गाइज सबसे पहले शेयर्स अब जो इशू करे जाते हैं वो पार एंड प्रीमियम पे करे जाते हैं तो इन्होंने बोला क्या हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं लेकिन कब कर सकते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक सिचुएशन आती है जब हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं तो चार ऑप्शन है ई टू वेंडर ई टू पब्लिक तो गाइस वेंडर को भी हम डिस्काउंट पे शेयर नहीं दे सकते ना ही पब्लिक को दे सकते हैं थर्ड ऑप्शन इन्होंने दिया ई शुड एट स्वेट इक्विटी शेयर नन ऑफ दी अबव तो हमारा आंसर होगा ई शुड एज स्वेट इक्विटी शेयर सो स्वेट इक्विटी शेयर गाइस डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं ये होता क्या है जिसमें हम लोग अपने शेयर इशू uh, करते हैं किसको अपने एम्प्लॉज को अपने डायरेक्टर्स को ताकि उनको कंपनी पर होल्ड बना रहे सो स्वेट इक्विटी शेयर स्वेट मतलब समझते हो ना पसीना आना तो उनके पसीने की कमाई हम डिस्काउंट पर दे देते हैं ठीक है अब फिफ्टीन भी गाइज आपके कंपनीज एक्ट से है जो ये कहते हैं कि एज पर सेक्शन फिफ्टी टू सेक्शन भी ले आए अब ये लोग 2013 सिक्योरिटी रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज हमारे शेयर कैपिटल चैप्टर का तो इसमें इन्होंने बोला कि वो कहाँ यूटिलाइज नहीं किया जा सकता पहला ऑप्शन है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस सेकेंड है इश्यूड ऑफ फुली पेड बोनस शेयर थर्ड है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड फोर्थ है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनारी एक्सपेंसिस सो गाइज हम अपने प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं हम बोनस शेयर इशू करने के लिए कर सकते हैं बट जो ए ऑप्शन दे रखा है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस उसमें नहीं हम अपने सिक्योरिटी uh, प्रीमियम को इशू कर सकते यूज uh, uh, कर सकते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज़ नहीं किया जाता राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस में सो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा आज हमने 11 टू 15 एमसीक्यूज यानी कि पांच एन से क्यूज करें करे हैं अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी नहीं समझ आ रहा कहीं और से भी किसी बुक का एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर उसके पिक शेयर कर सकते हो आ, मेरी आईडी है तविता मैसी थैंक यू